मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो तक आपको लेसन नंबर 12 कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करा रहे हैं नया टॉपिक, उसके बाद चलते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फंड, जिसे मैं ऑलरेडी राइट कर चुकी हूँ, पर समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फंड इसका मतलब है ऐसे लोन पर इंटरेस्ट है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे लोन पर इंटरेस्ट जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट वो रिसीव करेगा या पे करेगा? रिसीव करेगा, ओके। तो उसके लिए जनरल एंट्री है और उसका ट्रीटमेंट भी है। अगर कोई लोन पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है तो आप उस पर इंटरेस्ट इस तरह से चार्ज करेंगे। पहले तो आप इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे इसको पार्टनर को, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और यही एंट्री आपके लोन अकाउंट पे पार्टनर का एक लोन अकाउंट ओपन करेंगे आप, उसमें शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। इसका मतलब ये है कि कोई लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है और वो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेगा। सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर कोई लोन फर्म को देगा तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, नहीं कि पे करेगा, ठीक है। तो जब वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारी दो सरलिटी मेन बताई गई है। पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एक्सपेंसेस है, और टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्यों? क्योंकि इससे पार्टनर का लोन अकाउंट बढ़ जाएगा, जो उसने लोन फर्म को दिया उसी में तो इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगी। तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में आप क्या शो करेंगे? इंटरेस्ट, ठीक है। ये अकाउंट खुलता है, मैं आपको फिर बता दूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट आप ओपन करेंगे जब भी पार्टनर फर्म को कोई लोन देगा, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड एंट्री है, ये जो इंटरेस्ट है वो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है ना, तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। तो फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस हुआ ना, अगर फर्म का एक्सपेंसेस है तो क्या ये एप्रोप्रिएशन में आएगा? नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे आप इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये क्लियर है आपका? दोबारा समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, एक तो पार्टनर्स लोन अकाउंट खुलेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट शो किया जाएगा, उसके बाद ये एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ वही चीज दिखाते हैं जो पार्टनर्स को रिसीव करनी होती है नेट प्रॉफिट में से, लेकिन ये फर्म के लिए है तो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा ऐसे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट करके डेबिट में ये एंटर हो जाएगा। तो जब भी आपको फर्म पार्टनर फर्म को कोई लोन लेगा तो उसकी इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज की जाएगी, एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग बाय ए पार्टनर फ्रॉम फर्म। ये कह रहे हैं, मैंने ऊपर समझाया आपको कि यहाँ पर लोन जो है वो पार्टनर फर्म को दे रहा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर है कि वो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है और फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दोबारा समझिए, इसमें पार्टनर ने फर्म को दिया है और इसमें फर्म ने पार्टनर को दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लिया है लोन फ्रॉम द फर्म, फर्म से लिया है, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो उसका लोन अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें जरा एंट्री क्या होगी जरा देख लीजिए, चलिए। तो सबसे पहले आप पार्टनर के
क्योंकि ये इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज की जाती है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर उसका करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे चार्ज की जाती है। जब दी जाती है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, लेकिन जब उससे चार्ज किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है। और ये फर्म के लिए इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, सिंपल समझ में आया? वही जब फर्म को लोन दिया गया था और फर्म के लिए एक्सपेंसेस था, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया था, फर्म के लिए एक्सपेंसेस था। लेकिन जब फर्म लोन दे रही है और इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ये इंटरेस्ट इनकम हो गई और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही इसे ले लेंगे। ठीक है, जो भी चीजें पार्टनर्स देते हैं उससे उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, और जो भी आइटम उनको मिलते हैं तो उससे उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक एंट्री और होगी, फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड एंट्री बोला है इंटरेस्ट और पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन दोनों एंट्रियों को, दोनों सिचुएशन को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही इंटरेस्ट बोली, लोन की बात ही करें, ये दोनों ही इंटरेस्ट एक एक्सपेंसेस नेचर का है और एक इनकम नेचर का है, क्योंकि एक में इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है फर्म को और एक में इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के इंपैक्ट चेंज हो जाएंगे। उस एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया था, क्योंकि वो एक्सपेंसेस था। इसमें हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे फर्म के लिए इनकम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेंट पेड टू अ पार्टनर। ये क्या है देखिए, सपोज करो कि फर्म ने किसी की पर्सनल उसको इंडिविजुअली किसी भी प्रॉपर्टी को अपने काम के लिए यूज कर रखा है। ठीक है, सपोज करो कोई पार्टनर है, ठीक है, दो तीन पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, सपोज कर लो कि एक पार्टनर का जो रेसिडेंस है वो खाली पड़ा हुआ है, उसका एक रूम है या कोई एक बिल्डिंग है जो खाली पड़ी हुई है, तो उसको फर्म ने यूज कर लिया अपने गोडाउन के लिए या किसी भी चीज पर्पज से उसको यूज कर लिया, तो क्या वो फर्म उस पार्टनर को रेंट पे नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है, तो जब हम रेंट पेड करेगी तो ये जो पार्टनर्स को रेंट पेड किया जाएगा वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये अगेंस्ट प्रॉफिट ही चार्ज किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन में वो नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? रेंट पेड टू द पार्टनर फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि एप्रोप्रिएशन में ये क्यों नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है, ये एग्रीमेंट में लिखा होता है, ये तो आने वाली बात की बात है कि अगर कोई बिल्डिंग अगर फर्म ले लेती है ऐसे अपने ऑपरेशन के लिए, तो वो पार्टनर को रेंट किसी को भी पे करेगी, पार्टनर्स को नहीं तो किसी और को भी करेगी, और किसी और को लेगी तो ये एक्सपेंसेस हुआ होगा। ठीक है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप चार्ज करेंगे।